ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे हम लोग अपने कट ऑफ वीडियोस पे आ जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी में बीएचयू एमए संस्कृत का, ध्यान देना, ये हम लोग बीएचयू एमए संस्कृत का अनऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपके ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट पे। लास्ट ईयर सबसे पहले मैं ही अपने चैनल पे ऑफिशियल लिस्ट दिया था, इस बार भी सबसे पहले दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर यही फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोसेस जो है पेड किया जा रहा है, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी लिख रखा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। पीएच के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनकी कॉलिंग जरूर जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है, उनकी 3% रिजर्वेशन होती है। जनरल यहाँ पे ये 300 में है, यानी आप 300 नंबर में मार्क्स काउंट कर रहे हो, 300 में लगभग 210, क्योंकि पेपर मुझे लग रहा है कहीं कहीं इजी हो या ना हो, लेकिन बच्चों का रिस्पांस लाइव सेशन में जो थे वो मैं देखा कि बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मतलब मेरिट बहुत ज्यादा नजर आ रहा था, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर के रेफरेंस बता रहा हूं कि 300 में 210 पहला कट ऑफ जाएगा, और सेकंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ तक -20 कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 210 से -20 करके आपके जो मार्क्स वैल्यू आ रही है वहां तक आपको डीएमसी मिल सकता है, ठीक है, बीएचयू का मेन कैंपस मिल सकता है। ओबीसी के लिए 195 -20 कर दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, एससी के लिए 180 और एसटी के लिए 100, और इसमें आप 30 माइनस करके देखिएगा, नीचे वाले में ऊपर 20, यहां पे 30 एसटी एससी माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, इनको एडमिशन पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। अब इधर मैंने लिखा हुआ है एफिलेटेड कॉलेजेस, आप अगर एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आप इन पूरे लगभग 5 राउंड तक, ये जो मैंने -20 करके देखा है, लगभग 5 राउंड तक इतना घटेगा, उसके बाद आप फिर बचे में -20 कर लीजिएगा, यानी स्टार्टिंग वाले मार्क्स से आप लगभग 30 से 35 नंबर भी पीछे हो तो भी आपको एफिलेटेड कॉलेज मिल सकता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन ये है कि आप अगर इन मार्क्स को टच कर रहे हो तब तो आपका एडमिशन होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं, इससे ज्यादा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, इससे अगर 20 नंबर भी कम है तो भी कोई बात नहीं है, 30 नंबर कम है तो एफिलेटेड तक पहुंच गए, 50 नंबर कम है तब शायद आपको कहीं और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी पता चल गया कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा कैसे होगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और काउंसलिंग के लगातार वीडियो जब आएंगे प्लीज इन वीडियो को जरूर देखिएगा, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।